आप मान लीजिए आप बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप उनको कहाँ रखेंगे? ब्राह्मण में रखेंगे, शूद्र में रखेंगे, आप उन्हें कहाँ रखेंगे, है ना? तो आप हिंदू राष्ट्र किस बेसिस पे बनाना चाहते हैं? दायरे क्या होंगे, क्या दायरे होंगे उसके? अगर मान लो आप जैसे यहाँ पे हम लोग हिंदुइज्म से निकल के बुद्धिज्म में आए हैं, तो हमको बताया गया कि हम आपको सब इक्वल रखे जाएंगे, आप हिंदुइज्म में क्या बताएंगे उनको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति। प्रीति, आपने सफ़ेद कपड़े क्यों नहीं पहने? सब तो सफ़ेद में दिख रहे हैं। मुझे लगता है कलर से कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आप मन से मानते हो तो कुछ होता है, अगर आप मन से नहीं मानते हो तो आप कपड़े पहन लीजिए या फिर कुछ भी पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही हैं? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, शाहजहाँपुर से। आज इस समारोह में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? और क्योंकि आप यूथ हैं तो क्या बदलाव आपकी सोच में हुआ यहाँ आकर? बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो मैं हूँ वो ही सब यहाँ पे मुझे सुनने को मिला, बस वो और मन पक्का हो गया मेरा कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक ही है। मुझे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया है या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि मैंने जो भी अभी तक किया है या फिर मेरे अंदर जो भी सोच का परिवर्तन अभी तक हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। दीक्षा ली आपने आज बुद्ध धर्म? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मानती पहले से थी लेकिन आज लीगली करके मुझे और अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्या था बुद्ध धर्म में जिसने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? इक्वालिटी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग में, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पढ़ा है, सारी ह्यूमन बॉडी सेम होती हैं। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? जी। हाँ। तो सब कुछ सेम होता है, तो अगर मतलब आप किस चीज़ से उन्हें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है या फिर ये शूद्र है, तो आप किस बेसिस पे उन्हें ना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब जब इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो नहीं पूछते हैं डॉक्टर दलित है कि सवर्ण है, तो फिर जो है नॉर्मल इंसान से धर्म क्यों पूछा जाए, भेदभाव क्यों किया जाए? और ये हाँ। आया कहाँ से, किसने बनाया? हाँ। ये इंसानों ने ही तो बनाया है ना। हाँ। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत गलत लगती थी, इस वजह से मुझे लगता है जहाँ पे मैं इक्वल हूँ, जहाँ पे सारे इंसान बराबर हो, हमें वही मानना चाहिए। वही जो मानना जो चाहिए। आपसे प्यार करे आपको उनसे प्यार करना चाहिए, जो आपको धुतकारे आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। जी। जो धर्म आपको धुतकारता है आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पंचशील का झंडा आपके गले में हमें दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ समझाएंगे हमारे दर्शकों? का अर्थ है सारे रंग, मतलब इसका अर्थ है कि सब समान है यहाँ पे, मतलब कोई भी सारे मानव समान है यहाँ पे, कोई भी वो नहीं है, अंतर नहीं है, नहीं है। जी। अच्छा, आप जो हैं आज हाल फिलहाल में पॉलिटिक्स देखती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत, जब थोड़ा बहुत एक्टिव हैं, मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखती हूँ। मोदी जी कैसे लगते हैं? आज दशहरा है, देश आप मुझे बताइए मोदी जी मुझे अच्छे लगने चाहिए या बुरे लगने चाहिए? आप बताइए कैसे लगते हैं आरएसएस वाले? क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, आज दीक्षा लेने आए हैं और आरएसएस वाले कहते हैं कि अच्छे क्यों लगने चाहिए। मैं आऊंगी उस मुद्दे पे भी। आप लोग यहाँ आज 10,000 लोगों ने दीक्षा ली है और राजेंद्रपाल गौतम जी ने कहा है कि अगले 2025 तक कम से कम 10 करोड़ लोग दीक्षा लेंगे। वहीं आरएसएस कहता है कि 2024 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी आपने कहा ऊंच नीच दरकिनार नहीं होना चाहिए, कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीज को? आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप उन लोगों को किस बेसिस पे आप उनको वहाँ उसके लिए अट्रैक्ट करेंगे, किस बेसिस पे आप उन्हें क्या बताएंगे कि आप मान लीजिए आप बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप उनको कहाँ रखेंगे? ब्राह्मण में रखेंगे, शूद्र में रखेंगे, आप उन्हें कहाँ रखेंगे, है ना? तो आप हिंदू राष्ट्र किस बेसिस पे बनाना चाहते हैं? दायरे क्या होंगे, क्या दायरे होंगे उसके? अगर मान लो आप जैसे यहाँ पे हम लोग हिंदुइज्म से निकल के बुद्धिज्म में आए हैं, तो हमको बताया गया कि हम आपको सब इक्वल रखे जाएंगे, आप हिंदुइज्म में क्या बताएंगे उनको? मतलब जो यहाँ बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकता की बात होगी, समानता की बात होगी, तो वहाँ जो है कौन सी क्वालिटीज गिनाएंगे? हाँ, बिल्कुल, क्या क्या किस बेसिस पे? दूसरे सवाल से आप भटक गई, मोदी जी कैसे लगते हैं? मुझे मोदी जी नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? देश के प्रधानमंत्री मुझे मोदी जी क्यों पसंद है आप मुझे ये बताइए ना। यही तो पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे नहीं, मुझे तो ये नहीं, मुझे तो कभी ये नहीं लगता कि मोदी जी ने कभी हमसे बात की हो। युवा के तौर पे कहते हैं, युवा बहुत पसंद कर रहा है। नहीं, मुझे नहीं। और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि भैया हम बुद्ध के देश से आए हैं, हर स्पीच में कहते हैं। वो बाहर कहते हैं ना, यहाँ पे तो वो राम के नाम पे वोट मांगते हैं ना, वो तो वो बाहर कहते हैं। बुराई, एक तरफ बुद्ध को मान रहे हैं, एक तरफ राम को, देखिए सार्वजनिक तौर पे सबको मान रहे हैं। ये तो हाँ, दोगलापन हुआ ना ये तो। आप किसी दो नौका में सवार हो के आप कहीं नहीं पहुँच सकते ना, उसमें तो आप गिर जाएंगे। तो आपको कहीं एक रहना पड़ेगा, या तो आप हिंदू हो जाइए, आप भारत में तो आप हिंदू हैं, आप राम राज्य बनाएंगे। हाँ। लेकिन बाहर जाओ के आप बौद्ध के देश आए हैं। हिंदू में दलित आता है क्या? उनके हिंदू में दलित है? हिंदू कहाँ दलित में आते हैं आप बताइए? जब हमको मंदिर जाने तक का अधिकार नहीं है तो फिर कहाँ से वो मंदिर जाने तक का अधिकार, कहाँ से फिर वो हिंदू है? अगर उसको धुतकारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ने के लिए पीट रहे हैं, मतलब सिर्फ मंदिर का अधिकार अगर मिल जाएगा जाने का तो हिंदू हो जाएंगे? नहीं, क्यों हो जाएंगे हिंदू? तो
फिर मंदिर जाने का अधिकार क्यों चाहिए? कुछ मिला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला हिंदू बन के। हम वही पूछ रहे हैं कि फिर मंदिर जाने का अधिकार ही क्यों चाहिए, और कोई अधिकार मायने नहीं रखते आपका हिंदू बनने के? मुझे तुच्छ समझा जा रहा है, मुझे सिर्फ जाति के बेसिस पे मुझसे ये बोला जा रहा है कि तुम नीच हो और हम तुमसे ऊंच है। जो लोग ये मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, वो कैसे अच्छे हो सकता है? मतलब वो अच्छा हो भी कैसे सकता है, उसको हम क्या समझ सकते हैं? डॉक्टर साहिबा, बहुत सही तरीके से आपने हमारे सारे तर्क का वितर्क दिया और जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।